अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेल्थ स्टेटमेंट बनाना वेल्थ स्टेटमेंट एक्चुअली होती क्या है हमारी ठीक uh, uh, है आपने सैलरी salaries... सीख ली आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सीख लिया आपने कैपिटल uh, गेन सीख लिया आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सीख ली इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस देख लिया आपने बट ये जो पूरा टैक्स आप पे कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे बात खत्म हो गई नहीं यहाँ पे बात खत्म नहीं है ना तो फाइनल स्टेप will be the will be uh, the wealth statement okay if you want to become a tax filer

अब उसमें जो मिस्टर ए काम कर रहे हैं मिस्टर ए जब रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें बताएंगे इनकम टैक्स सर्टिफिकेट देंगे कि मेरा इतना इनकम टैक्स कटा था इस कंपनी की तरफ से ये मेरा इनकम टैक्स है और ये मेरे जराए आमदनी है और ये मेरी टोटल जायदाद है और ये मेरी लाइबिलिटीज है तो वो बंदा कहलाएगा टैक्स फाइलर तो उस एफ को पता चलेगा ये जो दस लाख रुपए का इनकम टैक्स पे हुआ है इसमें से पचास हजार रुपये मिस्टर ए के हैं अगर वो ये काम नहीं करते तो वो सिर्फ टैक्स पेयर रहेंगे लेकिन टैक्स फाइलर नहीं बनेंगे तो इन दिस वीडियो वी विल एक्चुअली लर्न अबाउट हाउ टू प्रिपेयर वेल्थ स्टेटमेंट ओके तो

जबकि उन्होंने पर्सनल लोन भी लिया हुआ है मिलियन का तो उसको डिडक्ट कर देंगे तो टोटल तो नेट वैल्यू आ जाएगी टेन मिलियन की उनकी टोटल है इस पूरे साल उन्होंने टोटलिटी तो सैलरी अर्न करी है 1.2 मिलियन जिसमें एक लाख रुपए टैक्स दिया है उन्होंने दो लाख रुपए के शेयर्स थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड में सोल्ड करे उन्होंने लोन पे करे फाइव लाख रुपीज का उनके जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो थे एट लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज के Now, uh, उनको उन्होंने गिफ्ट दिया uh, और उनका ड्राइंग करी 2 ,000 ,000 की और जो टैक्स पे करा है बिजनेस की इनकम में वो फोर्टी थाउजेंड रुपीज एक नया प्लॉट परचेज करा है उन्होंने जो की जिसकी कॉस्ट टू मिलियन है लेकिन अभी उसकी इंस्टॉलमेंट इन्होंने पे करी है सिर्फ सेवन लाख रुपीज और जून 2014 में उनका जो बैंक बैलेंस है वो है फोर आपको उनकी वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है वेल्थ स्टेटमेंट में आप जब आप बनाएंगे तो उससे पहले दो चीजें आपको बनानी जरूरी है एक तो वेल्थ रिकनसेन स्टेटमेंट और दूसरी आपके पास आती है कैश रिकनसलेशन ठीक है दिस कैश रिकेशन ओके okay. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें कौन कौन सी चीजें आएंगी जो वेल्थ रिकनसी स्टेटमेंट है वेल्थ रिकनसिलेशन स्टेटमेंट में इट इज जस्ट लाइक अ इनकम स्टेटमेंट के इसमें आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी इनकम है वो तमाम आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगी सॉरी वेल्थ रिकनसलेशन स्टेटमेंट में आएंगी आपका जो कैश फ्लो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट्स में उसी तरह यहाँ पे आप कैश रिकनसलेशन बनाते हैं कि कितना इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है और आखिर में आपके पास कितना बैलेंस बचा है कैश का ठीक है सेकंड वो जाता है और जो थर्ड आपका वेल्थ स्टेटमेंट है इसमें आपके तमाम एसेट्स आपकी लाइबिलिटीज और आपकी आपका कैपिटल आता है सो ऑल इन ऑल आपको इतना से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है बट इट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एफबीआर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ठीक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको अपनी ओपनिंग वेल्थ लिखनी है और जो ओपनिंग वेल्थ लिखनी है वो ओपनिंग वेल्थ इज इक्वल टू ओपन एसेट्स प्लस योर कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज तो आपके पास ओपनिंग वेल्थ आई जस्ट लाइक यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिए कि तमाम एसेट्स और कैपिटल एड करके कितनी वैल्यू आई थी आपके पास इलेवन मिलियन की और इसमें से पर्सनल लोन आपने माइनस करा वन मिलियन का तो टोटल कितना आया आपके पास 10 मिलियन तो यहां पे आपने ओपनिंग वेल्थ डायरेक्ट लिख दी 10 मिलियन डेट सेट तो आपके पास जो ओपनिंग एसेट्स मतलब लास्ट ईयर की एंडिंग और इस साल की ओपनिंग तो एसेट्स उसमें कैपिटल ऐड करा आपने और उसमें से आपने लायबिलिटीज माइनस कर दी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग वेल्थ की नाउ एड सोर्सेस और यू कैन से योर इनकम आपको जो भी इनकम हुई है आप वो लिखेंगे तो यहाँ पे जो पूरे साल में सबसे पहले आपने सैलरी अर्न करी है कितनी अर्न करी है 1.2 मिलियन और आपने यहाँ पे सैलरी एज इट इज लिख दी 1.2 मिलियन की ठीक है इसके अलावा यहाँ पे आपने सोल्ड करा हैं शेयर 2 लाख रुपीज के कितने में सोल्ड करें 3 लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज मतलब आपको कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का तो यहाँ पे आपने गेन ऑन सेल के सही सॉफ्टवेयर गलती से मिस प्रिंटिंग है गेन ऑन सेल कितने वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज वेरी सिंपल and if you are doing business then your income after deducting your expenses your net income is four lakh fifty thousand rupees so you, you just put down the four like fifty thousand rupees of your profit of uh of abc income in just right here now you need to add up each and everything just one point two plus one like fifty thousand plus four like fifty thousand the sum up value is eleven point eight million rupees okay and we've already known that the opening wealth is 10 million and your sources is 11 lakh 80 thousand uh, sorry 11 million 8 lakh. Now what would you less in the wealth reconciliation statement? expenses All expenses will be deducted from your wealth reconciliation statement. Okay, the first one is a gift to your brother gift. If you gift anyone through cross-check <coughs> only through cross-check it would be counted as a, as an expense, and you may deduct that expense from your wealth reconciliation statement. Otherwise, not. If you, um, if you have gifted someone uh, without uh, to via cross check, then it will, would not be deducted from the wealth reconciliation statement. So here, in this case, he has given gift of rupees four lakh rupees to his brother Kamran through cross check. So just uh, give to brother four lakh rupees. That's it. Now. In the first part, he has paid tax of rupees one lakh here. <coughs> tax is also an expense, so tax deducted from salary one lakh rupees. He also paid tax on the profit of like fifty thousand rupees. That is forty thousand. Okay, so forty thousand has also been, been deducted from here. And the last one is is total household expenses eight lakh like fifty thousand rupees. You just subtract eight lakh like fifty thousand rupees.

और आपने तमाम एक्सपेंसेस माइनस कर दिया आपने कितना टैक्स पे करा आपने कितने किसी को गिफ्ट दिया अगर थ्रू क्रॉस ट्रेक आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने थे अगर आपने जक़ात दी होती तो वो भी यहाँ से माइनस कर सकते थे डब्ल्यू 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 पी एफ वगैरह वो भी माइनस हो सकते थे यहाँ से लेकिन अगर सैलरी में एडजस्ट है तो आप माइनस नहीं करोगे तो ये होगी टेन लैक

मिलियन तो आपने दोनों वैल्यूज को को और मिलियन मिलियन ऐड कर दिया तो आपके पास वैल्यू आ गई। अब दो लाख तो ,00 के बेचे थे 3 तो, 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 आपको कितना हुआ थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो थ्री लाखेंड रुपीज आपने यहाँ पे इनको एड कर दिया तो हम सेल्स की जो वैल्यू है वही लिखेंगे जितना हमें इनफ्लो है ड्राइंग हम क्या करते हैं है। लेकिन ये कैश ही कैंसिलेशन है अगर किसी ने कोई पैसे ड्रॉ करें विद्रॉ करें ड्राइंग करिए अपने बिजनेस में से तो वो पैसे पहले उसके अकाउंट में थे ठीक है उसके बाद उसने वो पैसे विड्रॉ करें ठीक है तो इधर कैश रिकंसलेशन में हम इस ड्राइंग को सबसे पहले वापस ऐड करेंगे और इसको कहाँ सब करेंगे ये मैं आपको आगे जाके नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें बताऊंगा तो सबसे पहले हमने टू लैख सेवेंटी फाइव को ड्राइंग में ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास पहले आए थे तभी हमने इसको विड्रॉ करे थे तो टू हमने यहाँ पे ऐड कर दिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने नोट करी या नहीं करी कि कैश रिकन्सलेशन में जब हम करेंगे, तो हम business, ये को नहीं करेंगे। क्योंकि वो हमारा कैपिटल का पार्ट है उसको हम वेल्थ स्टेटमेंट में देखेंगे ड्राइंग को भी और इनकम फ्रॉम बिजनेस को भी तो ये चीज हमें सबसे पहले याद रखनी है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और वेल्थ स्टेट इनकम फ्रॉम बिजनेस और ड्राइंग जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है कैश कैंसिलेशन से सॉरी इनकम फ्रॉम बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं है और ड्राइंग को हम ऐड करेंगे सब नहीं करेंगे तो मैं बस सिर्फ तीन सोर्सेस थे तीनों को हमने ऐड कर दिया और ओपनिंग कैश और बैंक में ऐड कर दिया तो टोटल वैल्यू आ गई टे वन लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज या 1 लाख रुपीज सैली में टैक्स पे करा और 40,000 बिजनेस मैन करा तो वन माइनस हो गए गिफ्ट फोर लाख रुपीज के हमने दिए थे तो हमारे पास से चले जाएंगे वो पैसे और हमने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट पे करी थी सेवन लाख रुपीज की तो वो हमने एज इट इज माइनस कर दी तो ये वो आउटफ्लोज थे जो कि हमने पूरे साल करे तो हमारे पास टोटल वैल्यू जो बची है वो टू सेवन थ्री फाइव वैल्यू आ गई अब ये टू सेवन थ्री फाइव हमारे पास टोटल कैश इन बैंक एंडिंग है तो हमारे पास यहाँ पे बैंक का एंडिंग फोर लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड गिवेन है ऑलरेडी हेयर तो जो फोर लैख सेवेंटी को आप ट्वेंटी सेवन लैख से माइनस करेंगे तो आपके पास कैश का भी बैलेंस आ जाएगा ठीक है तो एक्चुअली कैश की में हमने क्या करा ओपनिंग कैश और बैंक लिया उसमें हमने सारी इनफ्लोज ऐड करे एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस और ड्राइंग को उसमें ऐड करा और सारे इनफ्लो माइनस कर दिए तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी एंडिंग बैंक एंड कैश की उसमें से जब हम बैंक का एंडिंग माइनस करेंगे तो कैश की वैल्यू आ जाएगी एंड बैलेंस नाउ द द लास्ट पार्ट विल बी वेल्थ स्टेटमेंट इस वेल्थ स्टेटमेंट में अब आपको वो तमाम चीजें जाननी हैं सबसे पहले आपके पास यहाँ पे प्लॉट है प्लॉट आपने नहीं बेचा तो प्लॉट आपके पास एज एट इज थर्टी फाइव लैख का आ गया कैपिटल कैपिटल आपके पास कितना था यहाँ पे 2.5 मिलियन तो जब आप कैपिटल के पास आएंगे तो उसके पहले वर्किंग करेंगे कैपिटल 2.5 मिलियन था यहाँ पे इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस आप ऐड करेंगे डेट इस फॉर लाइक 50,000 रुपीस और यहाँ पे आप ड्राइंग माइनस करेंगे 2 लाख 75,000 रुपीस तो आपके पास कैपिटल की एंडिंग आ जाएगी जाएग इसलिए हमने इनकी एडजस्टमेंट कैश में नहीं करी थी ठीक है क्योंकि वो कैपिटल से रिलेटेड है अगर दोनों जगह माइनस करते तो डबल सब्सट्रैक्शन हो जाती आपका रिकॉर्ड आउट हो जाता तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट ऐड करा इनकम फ्रॉम बिजनेस का बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर कैपिटल और यहाँ पे ड्राइंग माइनस करती तो अब यहाँ पे जो एंडिंग है 26, like 75, यहां पे आपने लिख दिया इसके अलावा आपने प्लॉट परचेज करा था बीस लाख का लेकिन उसमें सात लाख की इंस्टॉलमेंट दी तो जितनी आपने इंस्टॉलमेंट दी है वो आपका एसेट है तो आप सेवन लाख रुपीज आपने इंस्टॉलमेंट में लिख दी है आप आएंगे ज्वेलरी आपके पास थी फाइव लाख की आपने ज्वेलरी सेल नहीं करी तो फाइव लाख की आपके पास ज्वेलरी आ गई और शेयर्स आपके पास थे यहाँ पे टेन लाख के लेकिन आपने दो लाख के शेयर्स बेच दिए तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू बची एट लाख रुपीज की

जिसकी वजह से हमने पूरा काम करा है ये जो वैल्यू आपके पास आई है वेल्थ स्टेटमेंट की इट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वेल्थ रिकनसलेशन स्टेटमेंट अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो इट मींस आपके कैलकुलेशन में आपके अप्रोप्रिएशन में कोई ना कोई मिस्टेक है आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिस्टेक करी है जिसकी वजह से आपकी वैल्यूज सही नहीं आ रही आपकी वेल्थ well स्टेटमेंट और वेल्थ रिकनसिलेशन मैच नहीं हो रही ये मैच होना बहुत जरूरी है वरना आपकी जरा आमदनी में बताने में और छुपाने में का इम्कानात है और कोई ऐसी चीज़ है जो आपने शो नहीं करी है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपने सही से रिप्रेज़ेंट नहीं करी है पॉइंट आउट नहीं करी है आपने मिस रिप्रेज़ेंटेशन करी है तो इसलिए वेल्थ स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसकी वजह से आप किसी भी इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन की या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की जराए आमदन पता करी जाए और पता करा जाए वो कहाँ से उसने कितना कमाया और कहाँ उसने कितना बनाया as in assets, so it is all about wealth statement. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.